लेना है और अच्छे से ऐसे रब करना है, कम से कम 6 से 8 मिनट के लिए रब करें। आप खुद देखेंगे 6 से 7 दिन में कि आपका जो भी प्राइवेट पार्ट है अंडर आर्म से या फिर बॉडी पे कहीं भी पैचेस पड़ रहा है, आपने अगर ये उपाय लगाया है 7 दिन, तो वो धीरे धीरे ना हट रहा है, अपना कलर वो ना छोड़ रहा है, मतलब यानी कि वो उसका जो भी डार्क पैचेस है वो जा रहा है। तो आप खुद फील करेंगे कि 7 दिन में इतना फर्क दिखाई दिया। सो फ्रेंड, आज हम आपके लिए वाइटिंग क्रीम बना के लेकर आए हैं, जो कि प्राइवेट पार्ट, अंडर आर्म्स, नेक एरिया, नी एरिया और बॉडी के किसी भी हिस्से में अगर आपके टैनिंग हो रही हो, कालापन हो या दाग धब्बे हो, या फिर आपके बॉडी पे काले काले जो पैचेस पड़ जाते हैं वो हो, कहीं भी हो, आप इस क्रीम को 7 दिन लगाइए। 7 दिन का प्रोसेस है, 7 दिन में आप देखेंगे कि वो एरिया बहुत हद तक बिल्कुल सफेद हो गया है, साफ हो रहा है। सो फ्रेंड, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने उपाय की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मुलेठी लिया है, ये मैंने पतंजलि का लिया है। अगर आपके पास कोई भी ब्रांड का हो तो आप वो ले सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पतंजलि का ही मुलेठी लें। ये मुलेठी पाउडर है, आपको ये पतंजलि स्टोर या किसी भी ग्रॉसरी स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसकी एक लेते हैं, 1 चम्मच आपको इसका लेना है, सिर्फ 1 चम्मच लेना है आपको, उससे ज्यादा बिल्कुल ना लें। और ये आपको डेली बनाना होगा, ऐसे मत करना कि बना के रख लें और फिर आप इसको यूज कर रहे हैं, इससे आपको ऐसे फर्क नहीं लगेगा, इसलिए जब भी यूज करें फ्रेश ही यूज करें। ठीक है, तो आपको इसकी 1 चम्मच के करीब लेना है। ठीक है, ये हमारा 1 चम्मच के करीब हो गया। अब आपको इसमें क्या मिलाना होगा, हमारा जो सेकेंड इंग्रेडिएंट है वो है दही। ठीक है, कर्ड, कर्ड आप घर पे भी बना करके यूज कर सकते हैं या फिर आप उसका मार्केट से भी यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको दही भी मिलाना होगा 1 चम्मच के करीब। ठीक है, मैं आपको ऐसे उपाय बता रही हूं जो हमारे स्किन को वाइट करते हैं, सफेद करते हैं, और आपको इससे बहुत अच्छा फायदा जरूर मिलेगा, जरूर करके देखें। इसके साथ ही हम यहाँ पे मिलाएंगे बादाम का तेल। बादाम का तेल आप घर पे भी बना सकते हैं और ग्रोसरी स्टोर पे भी आसानी से बादाम का तेल कोई भी ब्रांड का आप लेकर के आ सकते हैं। बादाम का तेल एक रोगन बादाम भी आता है, आप वो भी यूज कर सकते हैं, और इसकी आपको मिलाना है 1 चम्मच के करीब। ठीक है, इसको भी मिला दिया। सो अब इन तीनों को अच्छे से मिला देंगे और एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। आपको तीनों को अच्छे से मिलाना है, और तीनों ऐसे इंग्रेडिएंट है जो हमारे स्किन को ना वाइटनिंग का काम करते हैं, ग्लो करते हैं हमारे स्किन में। सो ये अच्छे से मिल गया। अब आपको क्या करना है, इसको लेना है, और ये काफी क्वांटिटी में बना है। आपके बॉडी में कहीं भी टैनिंग हो, डार्क पैचेस हो, या फिर आप अंडर आर्म्स में या फिर प्राइवेट पार्ट में लगा सकते हैं, सफिशियंट है इतना। अब आपको लेना है और आपके जहां भी प्राइवेट पार्ट, अंडर आर्म्स या फिर कहीं भी बॉडी पार्ट में पैचेस है, इसको लीजिए और आपको रब करना है। आपको ऐसे रब करना है, ना कि ये ज्यादा हार्ड हो, ना ही आपका ये हाथ बिल्कुल सॉफ्ट हो, थोड़ा प्रेशर ही डाल करके रब करें, क्योंकि हमने जो मुलेठी लिया है इसमें बहुत स्मॉल स्मॉल ना पार्टिकल्स हैं। जब वो आपके स्किन को ना ऐसे रब करेंगे ना, तो आपके डेड सेल ना स्किन के अंदर उनको बाहर निकालने का काम करेंगे और आपकी स्किन ना अंदर से ग्लो बनाएंगे। तो कोशिश करें कि थोड़ा सा प्रेशर डालकर ही रब करें। इसको आपको सुबह नहाने के टाइम पर ही यूज करना है, जब आप नहाने जाएंगे तो इस पेस्ट को बना करके ले जाएं और आप अपने बॉडी के किसी भी हिस्से में इसको रब कीजिए। ऐसे लेना है और अच्छे से ऐसे रब करना है, कम से कम 6 से 8 मिनट के लिए रब करें। आप खुद देखेंगे 6 से 7 दिन में कि आपका जो भी प्राइवेट पार्ट है अंडर आर्म से या फिर बॉडी पे कहीं भी पैचेस पड़ रहा है, आपने अगर ये उपाय लगाया है 7 दिन, तो वो धीरे धीरे ना हट रहा है, अपना कलर वो ना छोड़ रहा है, मतलब यानी कि वो उसका जो भी डार्क पैचेस है वो जा रहा है। तो आप खुद फील करेंगे कि 7 दिन में इतना फर्क दिखाई दिया। अगर आपको 7 दिन में फर्क दिखाई देता है, आपको लगता है 7 दिन में आपके जो पैचेस हैं, अंडर आर्म्स हैं या फिर प्राइवेट पार्ट का जो कालापन है वो धीरे धीरे जा रहा है, तो आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू रख सकते हैं, आपको बहुत जल्दी फर्क दिखाई देगा। केवल 3 इंग्रेडिएंट से ही आपको अपनी वाइटनिंग क्रीम बनानी है और अपने बॉडी के किसी भी हिस्से में आपके डार्क पैचेस है उस पे लगाना है। सो ये हमारा छोटा सा उपाय है, 5 से 8 मिनट के लिए करके जरूर देखें, पूरे दिन में एक बार करना है। इसको आप बिल्कुल भी स्टोर करके ना रखें। अगर आप ऐसी ही रेमेडी चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, थैंक यू।